न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर में और आज यहां पर जननायक जनता पार्टी अपने 3 साल पूरे होने पर या तीसरा स्थापना दिवस मना रही है जन सरोकार दिवस के रूप में। और हमारे साथ इस वक्त नैना सिंह चौटाला हैं, बाडड़ा से विधायक हैं। मैडम, 3 साल पूरे हो चुके हैं, आज तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के पार्टी बनाई और जो मुकाम हासिल किया यानी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बने, इसको लेकर के इस सफ़र को कम शब्दों में आप क्या मानते हैं? जो हमने जो आपने लोगों से जो वायदे किए उन पे कितना कामकाज हुआ? बिल्कुल, आज जननायक जनता पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है जो हम जन सरोकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और पार्टी को जिनसे हमने एक अच्छी शुरुआत की थी, वो जो रैली थी, मैं तो कहूँगी आज शायद उस रैली का रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे, क्योंकि मैं पूरे रास्ते देखती आई हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बिल्कुल पैक पड़ा ट्रैफिक जो है। और जो 3 साल का पीरियड है उसमें 2 साल तो मैं कहूँगी कोविड करके, मतलब ये एक बहुत ही बुरा दौर जो है वो हिंदुस्तान में था कि हम लोगों के बिल्कुल टच में नहीं, मोस्टली लोग 1 साल तो घरों में पैक्ड थे। बाकी 3 साल सरकार बने हुए 2 साल हुए, 2 साल के पीरियड को मैं ये कहूँगी कि एक तो जो 75% हमारे वादों में था कि हम युवाओं को रोज़गार थे, वो बिल पास हुआ। जनवरी के बाद शायद बच्चे जो हैं वो नौकरी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा मैं ये कहूँगी, मैंने खुद महिलाओं से हरी चुनरी चौपाल में एक वादा किया था कि मैं आपको बराबर का हक दिलवा के रहूँगी, तो पंचायतों में जो महिलाओं को 50% की जो भागीदारी मिली है वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे अब जो है, मैं तो कहती हूँ ये कोविड वगैरह ना आए तो लोगों के बीच में रहे, पहले भी काम हुए, अब इससे भी ज़्यादा हम काम करेंगे। और 3 साल का पीरियड मैं कहती हूँ कोविड को छोड़ के बाकी जननायक जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। पहली रैली जो जींद में और आज जो है झज्जर में रैली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक सोनीपत और झज्जर की बात करें तो, यहाँ पे रैली होना अपने आप में क्या मानती है? आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे, कहीं कहीं पारिवारिक सदस्य है यहाँ पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरह से आपने बाडड़ा में लड़ा और दुष्यंत ने उचाना में लड़ा, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में कहते थे कि गाँव में घुस करके दिखाओ, और यहाँ पे आज गढ़ में रैली होने जा रही है। देखो, लीडर तो वही होते हैं जो चैलेंज को स्वीकार करें। लोगों ने ये कहा था कि ये जो 4 दिन 2 लड़के घूम रहे हैं, कि इनकी माँ घूम रही है, और ये 4 दिन की इनकी दुकान है, इनकी डुगडुगी बंद हो जाएगी इलेक्शनों के बाद में। मैं कहती हूँ जनता जनार्दन जो है, मतलब एक नेता का जो धड़कन है वो जनता है, जनता जिसके साथ होगी और जहाँ जनता कहेगी नेता वहीं इलेक्शन लड़ सकता है और विधानसभा में जा सकता है। तो कभी मैं कहती हूँ राजनीतिक तौर पे अपना गढ़ ना बनाओ किसी को, गढ़ तो जनता जनार्दन के लोगों के, राजा महाराजों के नहीं रहे तो फिर गढ़ किसके। और जींद और झज्जर के लिए मैं कहूँगी, अगर जींद दिल है तो झज्जर जो है वो हरियाणा की धड़कन है और कोई कहीं से भी लड़ सकता है अगर लोग चाहेंगे तो। बाकी क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? हालांकि भाजपा और जेजेपी का विरोध भी होता रहा, कार्यक्रम भी नहीं हुए, लेकिन आज जो है किसानों का इस ये मसला है वो कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है, अध्यादेश भी वापस हो चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये एन जो है कदम है, आपको किस नज़र से आप इसको देखें? देखो, किसान आंदोलन के लिए मैं ये एक बात कहूँगी कि ये जो चीज़ थी शुरुआत में मोदी जी को पहले ही ले लेना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, चलो लिया, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, इसमें हर आदमी ने संघर्ष किया, अगर किसान है तो वो भी तो परेशान हुए, कौन सा ठंडी जनवरी की रातों में बाहर टेंट में रहना बहुत मुश्किल है, पर ये बहुत लंबा चला है, ये हर चीज़ के लिहाज से नुकसानकारी था, ले लिया। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये मतलब कदम उठा के और सब पे एक मेहरबानी कर दी बहुत बड़ी। अलनाबाद के चुनाव नतीजों को कैसे देखती हैं आप भी चुनाव में के दौरान काफ़ी गांव में अलनाबाद में घूमी, इस्तीफा दिया, फिर से चुनाव हुआ, आपने कहा था कि पसीना आ जाएगा, लेकिन
मार्जिन वोट वोट बैंक बड़ा है, मार्जिन हालांकि घटा है। किसका बड़ा है वोट बैंक है? किसका? ये नेशनल लोकदल के नेता कहते हैं कि 57,000 से 65,000 पहुंच गए। देखो वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो ठंडा पानी पी लो तो थोड़ा सा जी टिक जाता है। वो ये उनको मतलब ये जीत जो है वो पैसों से मिलगी, वोट खरीद खरीद के मिलगी, बाकी तो अंदर का उनको भी पता है भी किस हालात में वो जीते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा सबक है जो लोग ये कहते थे कि जननायक जनता पार्टी को इलाहाबाद की जनता इलाहाबाद में घुसने नहीं देगी। मैं कहती हूँ किसी भी जगह जननायक जनता पार्टी का विरोध नहीं हुआ, और चोटी में तो सच में अभय सिंह चौटाला के पसीना ला के छोड़ दिया। दो दिन पहले एक फोटो वायरल हुई, दुष्यंत कैप्टन अभिमन्यु की बेटी की शादी में मिलते हैं और दादा से आशीर्वाद लेते हैं, अगले दिन दादा का प्रेस नोट आता है, इसको आप किस नज़र से देख? फोटो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई कि पांव छुए दादा के। मेरी बात सुनो, अपने मतलब घरों के संस्कार क्या कहते हैं? क्या कोई बड़ा सामने खड़े रहे तो हम उनके पैर नहीं छुएंगे? देखो ये हमारे कल्चर में नहीं है। बाकी ये तो मतलब मैं सोचती हूँ ये भी चीजें कोई मीडिया में दिखाने की है, मैं तो उसको उचित नहीं मानती। भी बड़े अपने से बड़ा हमारे संस्कार कहते हैं वो तो इनके दादाजी हैं, खून के रिश्ते कभी अलग हुए हैं क्या? राजनीतिक विरासत बढ़ती रहती है और बढ़ती रहेगी सारी उम्र। जिसके जितने लड़के होंगे ना उतनी पार्टियां होंगी आगे आगे, ठीक है ना? पर रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, ना हुए ना होंगे। इस रैली को आप किस नज़र से देखती हैं? इस रैली के बाद जो है आने वाले चुनाव में खास करके हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे समीकरण कुछ बदलने की उम्मीद? गढ़ बदलते रहते हैं, ना हुड्डा का रहा ना किसी और का रहा। आगे जनता जनार्दन फैसला करेगी कि वो किसको चाहती है और कौन उनके हक की लड़ाई लड़ सकता है। तो मैं तो दुष्यंत में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूँ हरियाणा का। तो ये थी हमारे साथ नैना सिंह चौटाला, और चुनाव के बाद ये पहला इंटरव्यू था इनका जिसको लेकर के हमने चर्चा की। आज जननायक जनता पार्टी अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रही है जन सरोकार दिवस के रूप में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।